हेलो गाइस, मैं हूं जबल पटेल और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इफ़ यू आर न्यू टू कनाडा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग टू कनाडा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें वो सारी चीज़ों की बातें करूँगा जो कि आपको यहाँ पर आकर सबसे पहले ख़त्म करनी रहेगी। वो करनी ही पड़ेगी आपको, उसके बगैर होगा नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सो हम ना इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें नहीं करेंगे कि भी आपको इंडिया में इंडिया से आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है, आपको यहाँ पे कैसे आना है, वो सारी बातें ना हम अलग से वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की मैं इस वीडियो में आपको मैं वो बताऊंगा कि यहाँ पे लैंड होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ऑन हैंड फर्स्ट डे पे आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे पे लो, आराम करो, दो तीन दिन उसके बाद आराम से जाके लो, लेकिन इसमें वो सारी बेसिक चीज़ें कवर होगी। जैसे कि हो गई एयरपोर्ट से आपके घर तक की राइड हो गई, अब राइड कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, किसे कांटेक्ट करोगे वो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद आप घर कैसे ढूंढोगे वो भी बताऊंगा मैं। कौन सी अच्छी वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप अपना घर, अपना जो रूम है वो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि आप उस स्कैम्स का हिस्सा ना बन जाओ, ठीक है। तो दो तीन वेबसाइट है जो कि हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, जहाँ पे मैं पर्सनली मैंने प्रेफर की थी वो सारी वेबसाइट्स अपने लिए, जो मैंने पहला जो अपना रूम मैंने फाइंड आउट किया था उसके लिए, तो उसके लिए वो भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपकी स्टडी परमिट हो गई, वर्क परमिट हो गई। मेरे साथ ये सीन हुआ था कि जब मैं इमिग्रेशन मैंने कंप्लीट किया था कनाडा में लैंड होने के बाद, तो मुझे वर्क परमिट और स्टडी परमिट दोनों वहीं पे मिल गई थी। अब मुझे वर्क परमिट इसीलिए मिली थी क्योंकि मेरा जो कोर्स था उसके अंदर कोऑप थी, कोऑप इंटर्नशिप थी, ठीक है। तो वो लेने के लिए, वो करने के लिए आपको वर्क परमिट वो लोग देंगे जो कि वैलिड होगी आपके स्टूडेंट वीज़ा के टाइमिंग में, है ना। जिस दिन आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा होगा, स्टडी परमिट एक्सपायर हो रही होगी, उसी दिन तक की आपको वर्क परमिट भी मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर हम आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ से सिम कार्ड कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए, ये भी हम लोग बात करेंगे। सारा डिटेल्ड होगा तो आप एंड तक वीडियो देखना और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड आई होप कि यह इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहे, आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे, क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा वो सारा कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 3.5 ईयर्स जो मैंने यहाँ पे अपने बिताए हैं, उसमें उसका जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट कि भाई राइड कैसे मिलेगी एयरपोर्ट से घर पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये है ना कि आपको यहाँ पे टैक्सीज वगैरह मिल जाएगी, वहाँ पे ऊबर भी खड़ी होगी, लेकिन ऊबर अगर आप वहाँ से बुक करा रहे हो एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, तो मेक श्योर करना कि आपके पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड हो जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, वरना आपकी ऊबर यहाँ पे नहीं चलेगी। और वाईफाई अवेलेबल होता है एयरपोर्ट पे, तो आप इजीली वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने नोटिस की हुआ है, मेरे को बहुत सारे अपने फ्रेंड्स ने, मैं जिनको वहाँ पे लेने गया हूँ उन्होंने मेरे को बताया है कि कभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनका जो वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं हो पाता फ़ोन से, और अगर कनेक्ट हो भी रहा है तो स्पीड इतनी स्लो होती है कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कुछ है ना डाउनलोड कर सको, कोई भी ऊबर का ऐप डाउनलोड कर सको या फिर कुछ भी सर्च कर सको, है ना। सो मेक श्योर कि आप, एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको कि क्या कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप बोल सकते हो, है ना, कि भाई मेरी इस टाइम को मेरी फ़्लाइट है, लाइक आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार क्या आप मेरे को घर तक छोड़ दोगे या फिर आप मेरे को राइड दे दोगे। यहाँ पे व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी है बहुत सारे राइड्स के लिए, जहाँ पे आपको राइड आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, स्पेशल राइड हो गई या फिर कुछ भी हो गया। सो अगर आप दो लोग हैं जो कि आप इंडिया से आ रहे हो, साथ में आ रहे हो, सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, है ना। मैं ट्राई करूँगा ना कि मेरे एक दो ग्रुप में मैं ऐड हूँ, ठीक है, उनके मैं एडमिन को मैसेज करके मैं ट्राई करूँगा कि उनको मैं बोल सकूँ कि भाई आपका, मैं जो व्हाट्सएप की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई एम प्रीटी श्योर उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि बिकॉज उनके भाई आ रहे हैं वहाँ पे मेंबर्स, राइट। तो एक तो वो हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि इमिग्रेशन के वक्त पे आपको वहाँ पे 99% है ना कि आपको वहाँ पे मिल जाएगी जो स्टडी परमिट है, वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ पे सर्विस ऑन्टारियो होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपना वर्क परमिट निकलवा सकते हो, स्टडी परमिट निकलवा सकते हो, और भी जो सारे डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी है, सिम नंबर जो इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विदाउट सिम नंबर आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी। अभी देखो सिम कार्ड का तो ऐसा सीन है ना भाई कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, यहाँ पे रॉजर्स हो गई, फ्रीडम हो गई, फाइडो हो गई, चैटर्स हो गई और कूडो हो गई, है ना, बहुत सारी बेल हो गई, वो ये सारे ना बड़े बड़े यहाँ पे जो प्रोवाइडर्स है सिम कार्ड प्रोवाइडर्स,
वो है यहाँ पे। लेकिन यूजुअली मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मैंने फाइडो का सिम कार्ड लिया था, क्योंकि तब मुझे वो ऑफर में मिल रहा था लाइक 50 to 55 dollars मंथली। उसमें मेरे को आई थिंक 12 GB इतना कुछ डेटा मिल रहा था, मुझे इंटरनेट मिल रहा था, और मुझे 1000 मिनट्स मिल रही थी इंडिया की। तो तब मुझे ये सबसे बेस्ट ऑफर लगी थी तो मैंने ये ले ली थी। लेकिन राइट नाउ मैं अभी रॉजर्स के साथ हूँ, क्योंकि रॉजर्स वालों ने मुझे उससे भी अच्छी बेटर ऑप्शन दी है। उन्होंने मेरे को $55 में उन्होंने मेरे को 40 GB इंटरनेट दिया हुआ है, जो कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज आई ऑल्सो डू ऊबर एंड ऊबर ईट्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो मुझे उसकी ज़रूरत थी। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, मैं आपको कोई ऐसे नहीं कहूँगा कि आप ये कंपनी से जाओ, ये कंपनी के लो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ना ऑफर्स चल रही होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो आप एक सिंपल सा एक तरीका है, आप जाओ मॉल में जहाँ पे आपको सारे ही प्रोवाइडर्स की ऑफिस मिल जाए, ठीक है। आप वहाँ पे जाओ, उनको पूछो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नया हूँ, क्या क्या ऑफर्स चल रही है, जो सबसे बेस्ट ऑफर आपको लगे आपके हिसाब से वो ले लो, ठीक है। अलग अलग जो सारी जो वेबसाइट्स है, जो रॉजर्स हो गया, फ्रीडम हो गया, उन सबकी जो वेबसाइट्स है मैं वो लिंक में डाल दूंगा अगेन, तो आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे ऑनलाइन भी देख सकते हो, है ना, कि क्या उनके रेट्स चल रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं वो लोग, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। अभी नेक्स्ट थिंग जो है वो मेन बात आ जाती है कि भाई घर कैसे ढूंढे। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे जो शेयरिंग हो गया, लाइक पर्सनल रूम हो गया, उन सबके जो प्राइजेज है ना वो आसमान छू रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जो चीज़ दो वेबसाइट ने मुझे हेल्प की थी जब मैं अपने लिए घर ढूंढ रहा था, अपने लिए रूम ढूंढ रहा था, एक तो यहाँ पे है kijiji.com, ठीक है, और एक है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस आपको पता ही होगा कि क्या है वो, लेकिन kijiji.com जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, घर की चीज़ें मिल जाएगी, ऑटोमोटिव्स मिल जाएगी, गाड़ियाँ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन कि वहाँ पे जा सकते हो आप, और आप सारे के सारे वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वो फोटोज़ के साथ डाले होते हैं रूम्स। बट अगर आप वहाँ से कोई भी लाइक रूम फाइनलाइज कर रहे हो, तो मेक श्योर करना कि जिसने भी वो पोस्ट डाली है उससे, अगर आप इंडिया से बात कर रहे हो तो ट्राई करना कि आप उनको बोलो कि भाई मुझे वीडियो कॉल करनी है। वीडियो पे बात करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा सेफ फील करोगे, क्योंकि kijiji पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो आपको कहेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट दे दो, और यहाँ पे आके आप जब कनाडा में आओगे और देखोगे तो आपको वहाँ पे कोई रूम मिलेगा ही नहीं, ना कोई घर मिलेगा, ठीक है। मेक श्योर करना कि आप उनसे एड्रेस पूरा मांग लो, है ना, ताकि आप गूगल पे जाके आप वो एड्रेस को चेक कर सको रियल टाइम में कि भाई वहाँ पे एक्चुअल में कोई घर है भी या नहीं, ठीक है। और आप उनको बोलना कि भाई मुझे एक वीडियो बना के भेजो करंट की, मतलब कि उस जिस दिन आपकी बात हो रही है उनको बोलो कि नेक्स्ट 2-3 दिन में अगर हो सके तो आप मुझे छोटी सी एक वीडियो बना के भेज दो जहाँ पे मेरा रूम है, ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि जो फोटो में जो रूम दिख रहा है वो असलियत में आपको वो रूम मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे जब आओगे ना आप फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करोगे, आपको बहुत सारे ऐसे स्कैम्स के मैसेजेस रोज आएंगे कि भाई हाँ हमसे इन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया है, लेकिन हमको अभी घर नहीं दे रहे, हमारे पैसे डूब गए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो उसका ध्यान रखना, थोड़े से सतर्क रहना, है ना, कि भाई मेक श्योर करना कि वो जो है आपको जेन्युइन लग रहा है बंदा, है ना, ट्राई करना कि आप उनसे फेस टू फेस, मतलब कि वीडियो कॉलिंग पे बात कर सके, वो आपको वीडियो भेज सके करंट वीडियो, है ना, ताकि आप मेक श्योर कर सको कि भाई हाँ भाई जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं पैसे दे रहा हूँ वो सेफ जगह है, ठीक है। नेक्स्ट चलो बात आती है कि भाई आप यहाँ तो चलो आ गए आप, ठीक है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन का क्या करोगे, कैसे इधर उधर जाना है आपको, कहीं पे जाना है तो आप वो कैसे जाओगे। यूजुअली क्या होता है कि जो आपकी कॉलेज होती है वो लोग जो आपको आईडी प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें उन्होंने बस का जो पास होता है ना वो आपकी मंथली जो ईयर आपकी फ़ीस है सेमेस्टर की उसमें इंक्लूडेड होता है। जैसे कि मैं जब जॉर्जियन में आया था तो उन्होंने हमें एक वन कार्ड दिया था, हमारा आइडेंटिटी कार्ड दिया था, उसके अंदर जो हमारा बसेस की जो राइड्स है, अनलिमिटेड राइड्स जब तक हमारा स्टडी चल रहा है तब तक की उसमें इंक्लूडेड थी, मतलब पूरे सेमेस्टर के लिए। तो चाहे आप दिन में 10 बार बस पे चढ़ो, 50 बार चढ़ो, या बिल्कुल चढ़ो ही न मत, कुछ भी करो वो आपके ऊपर है, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और लेट्स से कि अगर आप कोई ऐसी कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे आपको आइडेंटिटी के साथ ये जो बस पास है वो नहीं मिल रहा है, तो आप चले जाइए जहाँ पे इनकी बस ट्रांजिट की जहाँ पे भी ऑफिस होती है, आप उनको जाइए, उनको बताइए कि भाई मैं एक्स वाई जेड कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, है ना, मुझे बस पास लेना है, लाइक मंथली का क्या डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, क्योंकि ऑलवेज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिस्काउंट चल रहे होते हैं
GTA एरिया जो है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, वहाँ पे तो प्रेस्टो कार्ड चल जाता है एकदम इजी, है ना, एक छोटा सा ऐसा कार्ड होता है, उसको आप रिफिल करवाते रहो, उसी को यूज़ करते रहो और आप इधर उधर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो सबवे लाइंस भी है, बैरी में सबवे लाइंस नहीं है, है ना, यहाँ पे सिर्फ बसेस चलती है। मेन बात जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जॉब, कि भाई जॉब कैसे मिलेगी, अगर यहाँ पे आ गए हैं तो आपको पैसे भी कमाने पड़ेंगे, आपके खर्चे भी निकालने हैं, फीस भी इकट्ठी करनी है, जो आपके आप तो 21 साल की पे करके आओगे राइट, तो जो दूसरा एक साल होगा जो उसकी फीस भी तो आपको इकट्ठी करनी है, तो वो सब कुछ जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो है, एक तो हो गया फेसबुक, आपको वहाँ पे पोस्ट मिलती रहेगी राइट, एक हो गया इंडीड, मेक श्योर करना कि आप अपना अच्छे से कोई रेज्यूम बना दो पार्ट टाइम का, है ना, कि भाई उसमें अपने थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटी वगैरह डाल दो और वो रेज्यूम हैंडी रखो, प्रिंट आउट निकलवा दो उसकी, 15, 20, 30, 50 जितने आप निकाल सकते हो उतने निकाल दो, और जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे बाहर ना उनके डोर के ऊपर बोर्ड लगा होता है कि भाई वी आर हायरिंग, अगर आपको वो बोर्ड दिखे घुस जाओ अंदर, रेज्यूम दे के आओ अपने उनके मैनेजर को, उनको बोलो कि आई वांट टू टॉक टू मैनेजर, और उनको दे दो रेज्यूम, उनको बोलो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे कॉल करना, कॉल आएगा आपको, इंटरव्यू दो, जॉब मिल गई। और अगर आपको घर बैठे बैठे जॉब ढूंढनी है तो इंडीड करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना जो लोकेशन है, जहाँ पे लेट्स से कि आप बैरी में हो तो आप बैरी की लोकेशन डाल के वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, है ना, कि भाई यहाँ पे आसपास में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है। इंडीड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, आप इजीली जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे सर्कल के पे भी जॉब मिल जाएगी आपको, कन्वीनियंस स्टोर हो गए, ग्रॉसरी स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, जो हम स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए ये जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा मेन होती है जॉब करने के लिए, वहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, है ना, और फिलहाल तो अभी आप फुल टाइम आवर्स भी कर सकते हो, सो यू डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस फॉर दी आवर्स लाइक वर्क राइट, पहले ऐसा था कि 20 आवर्स पर वीक ही आप कर सकते हो, बट नाउ उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो अभी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम बात करना ही भूल गए, आपका जो बैंक अकाउंट हो गया, आपकी जो GIC हो गई, जो आप इंडिया से पे करके आ रहे हो वो आपको एक्टिवेट करानी पड़ेगी। सो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम GIC जो होती है वो स्कोशिया बैंक में होती है, ठीक है, मेरी तो स्कोशिया बैंक में थी, लेकिन ICICI बैंक में भी कुछ लोगों की होती है, मुझे स्कोशिया का प्रोसेस पता है, ICICI का मुझे नहीं पता है, अगर मुझे कोई ऐसा मिला कि जिनका ICICI में था तो मैं उनसे पूछ के आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अगर स्कोशिया में है तो सिंपल होता है, आप स्कोशिया वालों को फ़ोन करो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, अभी अभी आया हूँ, मुझे अपना GIC का जो अकाउंट है वो मुझे एक्टिवेट करवाना है, आप मुझे अपॉइंटमेंट दे दो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग आपको कहेंगे कि अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है भाई, बस आप आ जाओ, हम आपका अकाउंट खोल देंगे एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, GIC आपने वहाँ से आई थिंक $10,000 हमें GIC पे करनी होती है, उतनी मैंने की थी राइट, तो यहाँ पे जब आओगे आप, आपका वो एक स्टूडेंट बैंकिंग अकाउंट ओपन करके देंगे, उसमें आई थिंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेविंग होता है, एक होता है चेकिंग होता है, चेकिंग होता है जो कि आपका मेन अकाउंट होता है, जहाँ जो जिसमें से आप पैसे डेबिट से यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट से यूज़ कर सकते हो राइट, और क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा यहाँ पे, $1,000 की लिमिट होती है, बट उसकी भी अलग से थोड़ा सा होना, थोड़े से रूल्स है उसके अंदर भी, कि भी आप $1,000 है लेकिन आप पूरे के पूरे $1,000 एवरी मंथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करेगा, कैसे करेगा तो मैं इसकी अलग से थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, है ना, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं इसके अंदर, आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, बैंक अकाउंट आपका कैसे खुलेगा। फिर वो क्या करेंगे, जो आपका $10,000 जो आपने GIC में डाले हैं ना, वो आपको एक मंथली, सबसे पहले तो आपको शायद स्टार्टिंग में देंगे $2,000, $2,000 मेरे को मिले थे बिकॉज आपको रेंट पे करना होता है ना, वो आपको पूछेंगे कि भी आपको जगह मिल गई, कितना रेंट दे रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना, उस हिसाब से आपकी मंथली पेमेंट्स होगी राइट, सबसे पहले आपको मिलेगा $2,000 बिकॉज यहाँ पे रूल होता है कि आप जब भी आप कोई रूम बुक करवाते हो या फिर कुछ करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रूम है जो शेयरिंग में है, जो अगर $400 का उसका जो रेंट है मंथली का, तो आपको 400 प्लस 400 800 देने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, तो उस हिसाब से तो वो सारे जो खर्चे हो गए ना आपके, वो पहले जो $2,000 आपको मिलेंगे ना उसमें से कर देना, और उसमें थोड़े बहुत पैसे बच भी जाएंगे, आपको ग्रॉसरी भी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा राइट, और फिर आपको हर मंथ ये लोग एक पेमेंट बांध देंगे कि भाई 650 या फिर 675, आई एम नॉट श्योर कि अभी कितना देते हैं, बट अराउंड इतने के अराउंड आपको हर मंथ आपके अकाउंट में वो GIC में से कट कट के आता रहेगा। अभी
आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी से जॉब ढूंढ लो, है ना। तो जो भी आपके जो वो 685 या फिर जितने भी जो आ रहे हैं ना, वो आप डाल दो सेविंग्स अकाउंट में। इससे क्या होगा कि आपके पास जो आपकी जो फीस है ना, वो इकट्ठी होती रहेगी। अगर आप उसमें से खर्च करते रहोगे तो आपकी वो फीस इकट्ठी नहीं होगी, समझ रहे हो। तो हाँ, ये बात है। आई थिंक स्टार्टिंग के लिए इतना ही है जो कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो आपको हौले हौले पता लग ही जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और टॉपिक है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। सो अगर मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, सपोर्ट मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो बनाने का रीज़न मिल जाएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, है ना। अगर कोई टॉपिक ऐसा कोई होगा कि जिसको मुझे लगेगा कि भी कवर करना होगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, अच्छे से, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।